परेड का सोमवार को आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष बघेल ने सभी महिला रिक्रूट्स को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। पासिंग आउट परेड में महिला रिक्रूट्स ने शानदार टर्न आउट की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही ये रिक्रूट महिला कांस्टेबल अब अपने अपने जनपदों में जाकर बाकायदा पुलिसकर्मी की हैसियत से ड्यूटी करेंगी। अलग अलग जिलों से पुलिस विभाग में भर्ती होने के बाद 227 महिला रिक्रूट आरक्षी को झांसी में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। लंबे समय से यह रिक्रूट महिला आरक्षी कड़ी मेहनत कर रही थी। प्रशिक्षण के दौरान इन सभी को IPC, CRPC, भारतीय संविधान व पुलिस रेगुलेशन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा उन्हें आउटडोर प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण की अवधि में इन महिला रिक्रूट्स को आधुनिक हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया, साथ ही इनके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल मिठास, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री प्रकाश द्विवेदी आदि सहित तमाम पुलिस बल व अधिकारी मौजूद रहा। ये पुलिस लाइन झांसी में यहाँ पर आज जो है 227 रिक्रूट महिला आरक्षियों की पासिंग आउट परेड हुई है, और जो SSP झांसी और उनकी टीम ने बहुत मेहनत किया था, आज इनकी परेड जो हुई है यहाँ पर, उसमें बेहतरीन उत्कृष्ट कोटि की परेड और उतना ही बेहतरीन टर्नआउट हमारे जो महिला आरक्षियों का था, और उनके काफ़ी संख्या में उनके परिवार के लोग जो है आज इस खुशी के समय पर आए हुए हैं। इनको काफ़ी गहन प्रशिक्षण दिया है। अब अपने जनपदों में जहाँ की JTC थी वहाँ से आए हैं, वहाँ पर ये महिला रिक्रूट आरक्षी पहुँचेंगी और उसके बाद से उनकी पोस्टिंग होगी। इन्होंने इनको जो है पूरे प्रशिक्षण के दौरान जितने भी हमारे जो IPC, CRPC से लेकर भारतीय संविधान और पुलिस रेगुलेशन, उन सब के बारे में तो ज्ञान दिया ही गया है, प्लस आउटडोर में हम लोगों के द्वारा इनको जो है काफ़ी सिखाने की कोशिश की गई है। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।